वेल हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं साउंडकोर आइकन मिनी पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर का। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है 1999 के प्राइस पॉइंट पे। और फिलहाल इसे दो दिन से कंटिन्यूसली मैं यूज कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर इसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा नाम है चंदन झा और आप इस वक्त देख रहे हैं झा टेक्नो। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से इस चैनल को आगे ले जाने में मुझे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका जो पैकेजिंग है वो कैसा देखने को मुझे मिला, और साथ में पैकेट के अंदर में क्या क्या मिल जाता है आपको। तो यहां पर अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो पैकेजिंग है वो टोटली यहां पर सामने की साइड से आपको ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आ जाता है। नीचे की साइड में आपको थोड़े बहुत फीचर यहां पे मेंशन है, वहीं पे आपको साउंडकोर आइकन मिनी भी यहां पे देखने को मिल जाता है सामने से। बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड में आपको थोड़े बहुत यहां पे फीचर मेंशन करे गए हैं, जैसे कि आपको 8 आवर्स का जो है वो प्लेबैक टाइम मिल जाता है, दूसरा फुल्ली वाटरप्रूफ के बारे में बताया गया है, तीसरा वायरलेस स्टूडियो पेडिंग के बारे में बताया गया, और भी थोड़े बहुत यहाँ पे फीचर देखने को मिलते हैं। तो पैकेजिंग के ऊपर में आपको यही सब कुछ देखने को मिलता है। पैकेट के अंदर में जब इसे ओपन करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक आपको जो है यूज़र गाइड देखने को मिल जाता है, दूसरा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, तीसरा आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है इस स्पीकर को चार्ज करने के लिए, और चौथा ऑफ कोर्स आपका जो है आइकन मिनी पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो पैकेजिंग के अंदर में आपको यही सब कुछ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके जो है लुक्स और डिज़ाइन का। तो यहाँ पे कंपनी ने मार्केट में इसको जो है 4 कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक आता है आपका ब्लैक कलर, जो कि मैंने ऑर्डर देके मंगाया है, दूसरा आता है आपका रेड कलर, तीसरा ब्लू, चौथा ऑरेंज कलर। यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा ख्याल रखा है लोगों का, काफ़ी कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप मंगा सकते हैं। मैंने ब्लैक कलर मंगाया है, जो काफ़ी सटल लुक यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कराता है और काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो मुझे कलर वाइज तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक जो है वो ऑर्डर किया था। साथ में गंदा मैला भी जो है वो काफ़ी कम होता है, वो भी एक रीज़न है। दूसरा, अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ दोस्तों, तो डिज़ाइन जो है वो टोटली आपको यहाँ पर जो फ्लैट वाला टाइप का जो डिज़ाइन आता है वो देखने को मिल जाता है। स्क्वायर डिज़ाइन है आपका, चारों तरफ से इसका जो कॉर्नर्स है उसको कर्व्ड कर दिए गए हैं, राउंड शेप देने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी जो है अट्रैक्टिव आपको लुक प्रोवाइड कराता है। वहीं पे राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रोप का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं ईजिली, और ईजिली जो है कहीं पर लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप देखेंगे तो काफ़ी कॉम्पैक्ट यहाँ पर दे आप इसको जो ना ईजिली अपने हाथों में इस तरीके से जो है आप ग्रिप कर सकते हैं, आपके हाथों में ईजिली आ जाता है, चाहे आपके छोटे हाथ हो या बड़े हाथ हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होती। वहीं पर पॉकेट टेबल डिजाइन है, आप इसको जो है ना शर्ट के पॉकेट में इस तरीके से रख के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट है काफी, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, बट कॉम्पैक्ट इतना है कि हाथों में आ जाए, पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में आ जाता है। वहीं पे सामने की साइड से देखेंगे तो आपको मैस के ऊपर में जो है आपको साउंडकोर की ब्रांडिंग करी गई है, जो कि मुझे लगता है कि पता नहीं कब तक टिकेगा कब तक नहीं टिकेगा, बट साउंडकोर की ब्रांडिंग व्हाइट कलर में ब्लैक कोटिंग पे काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो इसके सारे के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हैं तो आपको एक माइक्रोफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, साथ में आपको ऑक्स पोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जी हाँ, इसे आप ऑक्स केबल के थ्रू भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंपनी ने आपको अलग से जो है ऑक्स केबल यहाँ पे दिया नहीं, आपको बाहर से ही जो है परचेस करके इसके यूज़ करना पड़ेगा, ये भी चीज़ देखने वाली बात आ जाती है। अब यहाँ पे नीचे एक साइड देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलता। बैक साइड में आप देखेंगे तो साउंडकोर आइकन मिनी का जो है वो प्रिंट किया गया है, साथ में थोड़े बहुत यहाँ पे आपको जो है ना फीचर्स स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पे लुक वाइज और डिज़ाइन वाइज दोस्तों स्पेशली मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। तो यहाँ पर लुक और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इसके जो है बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों। तो यहाँ पे सामने एक साइड से इस पर जो मैस्क यूज किया गया, ये किसी टाइप का मेटल का यूज किया गया है, जो कि काफ़ी फिनिशिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। वहीं पे बाकी की जो साइड्स है वो टोटली यहाँ पे जो है ना रबराइज मटेरियल, रबराइज कोटिंग का यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि इसकी प्रीमियम क्वालिटी आपको फील कराता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी भी आपको फील कराता है, ग्रिप काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो है वो बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे बैटरी में कंपनी ने इसके अंदर में आपको 900 mAh की बैटरी का यूज किया है, और कंपनी का ये कहना है कि आप जो है इसको अप टू 8 आवर्स तक का ये आपको प्लेबैक टाइम देगा।
अब मेरी टेस्टिंग के अंदर में दोस्तों मैंने जो है इसको फुल वॉल्यूम लेवल पे एकदम हायर मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल पे इसको टेस्ट किया। अब मैं ये देखना चाहता था कि मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल पे कितना जो है वो ये प्ले टाइम दे सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ हायर मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल पे इसको टेस्ट किया है 100% वॉल्यूम लेवल पे। तो 100% वॉल्यूम लेवल पे इसने जो है मुझे कंटिन्यूसली म्यूजिक प्ले टाइम में इसने 3 घंटे 20 मिनट का जो है वो प्ले टाइम दिया है, 3 घंटे 20 मिनट दोस्तों यहाँ पे। यानी कि आप इसको जो है 50% वॉल्यूम लेवल पर यूज करेंगे तो हाँ ये आपको जो है 8 घंटे के आसपास का प्लेबैक टाइम दे देगा। अब ये मत पूछने कहने लगेगा कि यार ऐसा कैसा हो सकता है 100% पे 3 घंटा 20 मिनट दिया तो भाई 50% पे ज़्यादा आपको 7 घंटे दे देगा, 8 घंटा कैसे दे देगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर में, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। अब वो बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी वैसे ही लंबे होते हैं वीडियो मेरा, बट आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों बताया मैंने। अब देखिए 3 घंटे 20 मिनट के बाद में ये पूरी तरीके से बंद हो गया, मैंने इसको दोबारा ऑन किया है, ऑन करके मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल पे ही दोबारा अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसको ऑन चालू किया है म्यूजिक को, तो ये तकरीबन 10 सेकंड तक चला, उसके बाद फिर से बंद हो गया, फिर से ऑन किया, फिर से इसको कनेक्ट किया, फिर से म्यूजिक को चालू किया, तो फिर से 7-8 सेकंड के बाद फिर से बंद हो गया। पर तीसरी बार जब इसको मैंने दोबारा ऑन किया है, उस बार इसको ऑडियो प्ले करने से पहले जो है मैंने इसका जो वॉल्यूम लेवल है उसको 50% कम कर दिया। अब 50% कम करने के बाद में फिर गाना चलाया मैंने, तो यहाँ पे ये तकरीबन मुझे 20 मिनट का और प्लेबैक इसने टाइम दे दिया। समझ सकते हैं, मतलब 50% कम करने पे इसने पूरी तरह से डिस्चार्ज होने के बाद में, फुल चार्ज होने के बाद फुल वॉल्यूम लेवल पे जो है आपका ये पूरी तरीके से बंद हो गया, बट आवाज़ कम करने पे जो है इसने 20 मिनट और दिया बैकअप। तो यहाँ पे मतलब ऐसे ही काम करता है यहाँ पे, तो आपको 8 घंटे के आसपास का प्लेबैक टाइम आपको दे देगा अगर आप 50% या 60% वॉल्यूम लेवल पे इसे यूज करते हैं। तो बैटरी डिपार्टमेंट वाइज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, साथ में जब आपका बैटरी लेवल डाउन हो जाता है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्लू कलर जो है जब ऑन होता है प्लेबैक चलता रहता है तो ब्लू कलर का आपका एलईडी जलता रहता है। जब वॉल्यूम आपका कम हो मतलब चार्ज आपका कम होता है तो यहाँ पे ब्लू के साथ में आपका जो है ना रेड एलईडी ब्लिंक करने लगेगा यहाँ पे, तो ये आपको दिखाएगा कि आपका जो है बैटरी लेवल कम हो गया है। तो यहाँ पे चार्जिंग वाइज ओके है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स का दोस्तों, तो इसका जो टोटली कंट्रोल है वो ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल जाता है। एक आता है आपका यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का जो बटन आता है वो, उससे आप इजली जो है एक बार आप टैप करते हैं, 1 सेकंड टैप करते हैं तो ऑन हो जाता है, 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, इसी तरीके से काम करता है। वहीं पे वॉल्यूम को कम करने के लिए है, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए आपका, साथ में आपको आइकन का जो है ना एक लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी फिजिकल बटन है आपका, इससे जो है आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल को, साथ में म्यूजिक को प्ले पॉज या आगे फॉरवर्ड करना है, पीछे बैकवर्ड पर जंप कराना है, सब कुछ इसी से आपका इजिली हो जाएगा। वहीं पे आपको एक जो है ब्लूटूथ का जो है वो भी बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये स्पेशली इसलिए दिया गया कि अगर आप चाहें तो इस स्पीकर के साथ में यही दो स्पीकर आप दो आइकन मिनी को एक साथ में जो है वो पेयर करके यूज कर सकते हैं स्टीरियो मोड के अंदर में यहाँ पे। अब फंक्शन इजिली काम करता है दोस्तों, जैसा इसके जो यूजर गाइड में दिया गया वैसा ही एग्जैक्टली काम करता है। अगर आपको दो स्पीकर लेते हैं ये वाला आप, तो इजिली जो है आप पहले स्मार्टफोन से इसको अनपेयर कर दीजिएगा, उसके बाद में दोनों स्पीकर पे आप कंटिन्यूसली ब्लूटूथ वाले बटन को जो है ना 3 सेकंड तक दबा के रखेगा। जैसे ही 3 सेकंड तक कंटिन्यूसली दोनों स्पीकर पे दबा के रखेंगे तो आपका जो है ना जो एलईडी है वो वाइट कलर में दिखने लगेगा आपका, तो एक स्पीकर को आप जो है हटा दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और दूसरे वाले को कंटिन्यूसली 3 सेकंड तक और जो है वो दबा के रखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपस में पेयर हो जाता है। फिर आप अपने स्मार्टफोन से उसे जो है कनेक्ट करके उसे स्टूडियो मोड में जो है वो यूज कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी वाइज जो है और कंट्रोल वाइज जो है मुझे काफी ज्यादा ठीक ठाक ही यहाँ पे काम करते हुए लगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके माइक्रोफोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे माइक्रोफोन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको जो है 4 मीटर दूर जो है रखा था, तकरीबन 3.5-4 मीटर तो होगा, 3.5 मीटर तो पक्का था, 3.5 मीटर के आसपास इसको दूर रखा था मैंने। और मैंने जो है कॉल किया सामने वाले बंदे को तो उसको मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही थी 3.5 मीटर का डिस्टेंस होने के बावजूद भी, और स्पीकर पे उसकी आवाज़ तो मुझे प्रॉपर आ ही रहा था। तो यहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट था, प्रॉपर काम कर रहा था, तो स्पीकर जो है इसका जो आपका माइक्रोफोन है वो ठीक ठाक यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दिया। अब बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे कंपनी ने ब्लूटूथ 4.2 का यहाँ पे यूज किया गया है, अब ये थोड़ा कम कर दिया, आजकल लेटेस्ट 5.0 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4.2, बट 4.2 भी जो है ठीक ठाक काम कर रहा था।
आपका अगर डिस्टरबेंस नहीं है आपके स्पीकर और आपके स्मार्टफोन के बीच में, तो तकरीबन 25 मीटर तक का आपको जो है वो रेंज प्रॉपर प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में कटना चालू हो गया। और अगर डिस्टरबेंस है तो यहाँ पे तकरीबन 8 मीटर का इसने मुझे रेंज प्रॉपर प्रोवाइड कराया, मतलब कॉन्क्रीट की वॉल और दरवाजे वगैरह कई सारे थे तो उसमें 8 मीटर का रेंज प्रोवाइड कराया। उसके बाद कटना स्टार्ट हो गया, तो कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर है, ठीक ठाक है। इसके जो है वो जो वर्जन इसका ब्लूटूथ दिया गया उसके अकॉर्डिंगली। अब जो है बात करते हैं इसके वाटर सर्टिफिकेशन की दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने IPX आपका जो है 67 का यहाँ पे सर्टिफिकेशन इसको मिली, यानी कि आपको जो है काफ़ी अच्छा वाटर प्रूफिंग सर्टिफिकेशन मिलता है। अब मेरे टेस्टिंग में मैंने क्या किया है, इसको मैंने जो है एक 20 लीटर का टब जो है उसको यूज किया है। उसमें जो है पहले मैंने इसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद उसको टब में रख दिया है और डायरेक्टली तकरीबन 1.5 मीटर ऊंचे से जो है नल को खोल दिया मैंने, तो ये डायरेक्टली जो है स्पीकर के ऊपर में इसका जो है ना प्रेशर आ रहा था पानी का और ये चालू था स्पीकर और प्रॉपर काम कर रहा था यहाँ पे। और पूरी तरीके से टब जो है फुल हो गया आपका, तकरीबन 1.5 फीट तक का जो है वो गहराई होगी पानी की, उसके अंदर में ये था और म्यूजिक प्ले कर रहा था, म्यूजिक चल रहा था यहाँ पे। और तकरीबन मैंने 15 मिनट तक जो है इसको जो है पानी के अंदर में डुबो के ही रखा। उसके बाद जब मैंने इसको बाहर निकाला है तो बाहर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, यानी पानी के अंदर भी काम कर रहा है और पानी से बाहर निकालने के बाद भी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। बाद में मैंने इसको जो है धूप में, मतलब कपड़े से जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है इसको साफ करके धूप में थोड़े टाइम रख के जो है ना सुखा बुखा के काम अब प्रॉपर तरीके से पहले तब भी कर रहा था अब भी कर रहा है। तो वाटर सर्टिफिकेशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं इसका मेन जो काम आता है इसका ऑडियो डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कंपनी जो है 3 वॉट का पावर आउटपुट, यहाँ पे ऑडियो आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब 3 वॉट का सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा कम लगता है कि यार 3 वॉट का है, आजकल जो प्राइस रेंज है 1999 रुपये उस रेंज में तो 10 वॉट के आराम से मिल जाते हैं ब्रांडेड। आपके कई सारे ब्रांड है जैसे कि आपका कई सारे हैं 10 वॉट तक के मिल जाते हैं यहाँ पे 2200 तक में मिल जाते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मतलब डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड कर लगता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर में। अब मैंने 10 वॉट के स्पीकर वगैरह का भी रिव्यू करे हैं अपने चैनल पे और यूज़ कई सारे कंपनियों का करें, जैसे कि ये हाल फिलहाल में बोट स्टोन 800 10 वॉट का जो है आपका उसका रिव्यू किया है। तो देखिए साउंड आउटपुट 10 वॉट के स्पीकर्स का ऑफकोर्स ज़्यादा होगा 3 वॉट के स्पीकर से, बट यहाँ पे मैन जो आ जाता है वो आ जाता है ऑडियो, मतलब ऑडियो की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी क्लियरिटी कैसी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दिया है मुझे। इसका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको देखिए थंब जो बेस है, बेस के अंदर में 3 वॉट का स्पीकर है तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं आपको मिलता बेस के अंदर में, लेकिन ठीक ठाक बेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बेस है यहाँ पे, बेस के अंदर थंप है, पंचेस वगैरह है इसके अंदर में आपका, तो बेस भी आपको देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे इसका जो वोकल्स है, इसका जो ट्रिबल्स है, इसकी जो सेपरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, बस तो मतलब क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रहा है। मैंने बोट स्टोन 800 को जब यूज किया था तो मुझे लगा था कि यार अजीब ही साउंड, मतलब उतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा था, ठीक ठाक था, 10 वॉट का स्पीकर था, ठीक ठाक साउंड आउटपुट थी उसकी। बट यहाँ पे उसके कंपेयर में बताऊँ तो ये 3 वॉट का होने के बावजूद भी जो है ना इसकी जो ऑडियो की क्लियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है 10 वॉट का स्पीकर जो है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आपको मिलती है वोकल्स और ट्रिबल्स में। वहीं पे हाइज और मिड्स की बात करूँ तो उसमें भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलता है। ओवरऑल ऑडियो में ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया दोस्तों। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ ना यहाँ पे तो एक पोर्टेबल स्पीकर के अकॉर्डिंगली ध्यान में रखते हुए इसको मैं आपको बताऊँ तो 8.3 स्टार दूंगा, 10 में से 8.3 स्टार दूंगा इसको ऑडियो के डिपार्टमेंट में। तो ऑडियो वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अफकोर्स 3 वॉट का है लेकिन काफ़ी अच्छी और क्लियर आपको साउंड ऑडियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 1999 के प्राइस देखिए महंगा है और साउंडकोर ब्रांड भी प्रीमियम ब्रांड है और आपको जो है ना बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। बट यहाँ पे सबसे बात अच्छी आती है कि भाई आपको जो है ना ऑडियो काफ़ी अच्छी मिलती है, भले आपका जो है ये 3 वॉट का है 10 वॉट का मिलते हैं आपको, लेकिन वो ऐसा स्पीकर किस काम का कि 10 वॉट का है लेकिन ऑडियो अच्छी नहीं है, उसकी क्लियरिटी ऑडियो की अच्छी नहीं है। बट यहाँ पे 3 वॉट का है लेकिन ऑडियो आपके 10 वॉट के जो स्पीकर आते हैं उससे बेटर आपको यहाँ पे दे रहा है। अब मैं सभी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट जो एक आध मैंने यूज करे हैं 10 वॉट के स्पीकर उसके कंपेरिजन में ये 3 वॉट वाला स्पीकर जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ऑडियो डिपार्टमेंट गाइस काफ़ी अच्छा है और यही था इसका डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी इसी टाइप के किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।